हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आवर ब्यूटीफुल नेस्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ डेकोर चीज़ें दिखाई थी, ये उसी का ही पार्ट टू है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट जो आइटम मैंने लिया है वो एक बुद्ध का ही पेंटिंग मैंने लिया है, लेकिन ये पेंटिंग एकदम फ्रेम वाला है और ये एडहेसिव वाला नहीं है। आपको दिखा दूं मैं पीछे से एक कार्डबोर्ड है पीछे, और लेकिन साथ में ये फ्रेम किया हुआ है और ये हैंगिंग वाला है। ये आपको वो एडहेसिव वाला नहीं है, सेल्फ एडहेसिव वाला ये नहीं है, लेकिन ये बुद्धा का पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। और जो इसका कलर बोलो तो इसमें योलिश ब्राउनिश एंड साथ में आपको रेडिश एक वाइट्स मिलेगा। कलर का बहुत खूबसूरत लग रहा है और इसमें आप पूरा पेंटिंग में आपको बहुत नीट, एकदम नीट पेंटिंग है ये। इसको आप दीवार पे सजाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, कहीं से भी टंगवा सकते हो। ये आपको डाइनिंग में या लिविंग रूम में सजाओ, आपका बेडरूम में रखो तो ये बहुत अच्छा दिखेगा। और पास में ये ब्लैक कलर का फ्रेम बहुत अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हो फ्रेम बहुत खूबसूरत है और ये बहुत स्टडी है, मुझे कुछ ख़राब नहीं दिख रहा है। और इसका प्राइस आप बताओगे तो ये सिर्फ मुझे 100 रुपये में मिला, 99 में एक्चुअली मिला है मुझे, ये पूरा डिस्काउंट में था, लेकिन करेंटली आई थिंक ये अनअवेलेबल है। लेकिन इसके साथ आपको बहुत सारा इस रेंज में आपको मिल जाएगा, पिक्चर्स फ्रेम वाला पिक्चर्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। ऐसा पेंटिंग बहुत सारा है, लेकिन ये बुद्धा का पेंटिंग शायद आपको अनअवेलेबल होगा, लेकिन मैं देखती हूँ अगर दूसरा जगह मिलेगा तो आपको वो लिंक भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट जो आइटम है वो है एक कारपेट जो मैंने अमेजन से ही मंगवाया है। और ये देखिए, ये कारपेट जो है मैं आपको दिखाती हूँ। एक कारपेट जो है ये तो एक शिनेल मटेरियल का है जो आप सिंथेटिक भी कह सकते हो, लेकिन ये 7x5 का ये कारपेट है। ये बहुत बड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा सिंथेटिक टाइप है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत दिखने में है और स्मूथ भी है। आप इसे देखो, देख सकते हो ये बहुत बड़ा है, 5x7 फिट का है ये। और पीछे से ऐसा रफ टाइप का है, आपको दिखा रही हूँ मैं रफ टाइप का, ऐसा नहीं ये स्किड भी नहीं करेगा ये। आपको अगर बिछा दोगे कहीं भी बिछा सकते हो इसे, आप लिविंग रूम बेडरूम लिविंग रूम या डाइनिंग रूम में बिछा सकते हो, बहुत अच्छा दिखेगा। मैं ब्राउन शेड में लिया हूँ, लेकिन इसमें आपको बहुत सारा कलर मिल जाएगा और इसमें आपको वैरायटी, साइज का भी वैरायटी मिल जाएगा, कलर का भी बोलो तो वैरायटी मिल जाएगा। लेकिन ये इतना थिक मटेरियल का नहीं है, थोड़ा आप देखो तो इसे बहुत थिन मटेरियल है, लेकिन फिर भी बहुत स्टडी भी है। साथ में आप इसे यूज़ कर सकते हो आराम से और मशीन वॉश भी कर सकते हो, बहुत लाइट वेट है तो आप मशीन वॉश भी कर सकते हो, लेकिन हैंड वॉश भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप हैंड वॉश ही करो, नहीं तो ये धागा निकल सकता है। मैं पास में आप ये देखो तो थोड़ा जो ये थ्रेड्स है उसमें थोड़ा फर्क आ जाएगा आप अगर आप इसे मशीन वॉश करोगे, लेकिन आप हैंड वॉश करोगे तो ये इसका गारंटी है कि ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास एक पहले भी एक था, उसे मैं बहुत दिन से यूज़ किया, लेकिन उसका मैंने हैंड वॉश करती हूँ तो ये बहुत अच्छा दिखता है। इतना लाइट वेट है, आप कहीं भी ले जा सकते हो इसे, आप पिकनिक में भी ले जा सकते हो, फोल्ड करके आप आराम से इसे साथ में ले जा सकते हो। तो जैसे इसे अब साइड में देखोगे तो इंटरलॉक भी बहुत अच्छे से इंटरलॉक भी किया है, इसका निटिंग भी बहुत
एकदम क्लीन निटिंग है, बहुत ब्राइट भी है, पीछे से देखो ये बहुत अच्छा ऐसा मतलब टसल वाला है, तो ये आपको बिछाने के बाद बहुत अच्छा दिखेगा। मुझे ये प्राइस का बात करो तो मुझे ये अंडर 500 में मिला है, अंडर 500 में मिला है ये, तो प्राइस के हिसाब से मैं तो कहूँगी मैं मुझे बहुत अच्छा सा क्वालिटी मिल गया है, और इतना बड़ा भी मिला है, जो आप दूसरा कारपेट दिखोगे तो वो दूसरा कारपेट आपको 2,000-2,500 में मिलेगा, इससे भी ज़्यादा प्राइस में भी आपको मिलेगा, लेकिन इस प्राइस में ये कारपेट मुझे बहुत अफोर्डेबल लगा है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो आइटम है वो है एक चेयर बैग, या आप इसे कुशन भी बोल सकते हो। मैं खोल कर दिखाती हूँ, ये आइटम जो है ये एक चेयर पैड है, एक्चुअली ये एक कुशन है, ये ऐसा है, बिल्कुल कॉटन का है, और इसके अंदर फिलर भी बिल्कुल कॉटन का है, और ये बहुत सॉफ्ट है, आप इसे चेयर पे भी यूज़ कर सकते हो, मैंने तो अपने चेयर के लिए मंगवाया है, और ये बहुत सॉफ्ट है, चेक्स में है, इसमें आपको बहुत सारा कलर मिलेगा, और इसका अगर साइज़ का बात करें तो ये 40x40 है, 40x40 इंच का है, और इससे छोटा भी आपको मिल सकता है जो 16x16 का मिलेगा, लेकिन मैंने 40x40 का मंगवाया है, और पीछे से ये देखो ये डोर भी दिया हुआ है, और ये आपको क्या है आप पीछे से इसे आप टाई भी कर सकते हो, दोनों साइड में ही दिया हुआ है, और इधर भी नीचे भी दिया हुआ है, आप इस तरह आप इसे किसी भी चेयर या किसी में भी टाई कर सकते हो, और ये आप सिर्फ ऐसा नहीं कि आप चेयर पे ही रख सकते हो, ये आप कहीं भी रख सकते हो, इसे बैठने पे भी बहुत बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि चेयर में हम बैठते हैं तो वो थोड़ा हार्डनेस होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा कोई बुजुर्ग लोग हो या किसी को प्रॉब्लम है हार्डनेस में बैठने में, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, और बैक में भी बहुत सपोर्ट मिल जाता है, इसलिए मैंने इसे बफेलो चेयर पैड कहते हैं, क्योंकि ये एकदम पिचकने वाला नहीं है, बहुत ही फ्लफी है, बैठने में भी बहुत आराम मिलेगा अगर आप ये मंगवाओ तो, और ये आप ऐसा वर्स भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल कॉटन का है, लेकिन मेरे ख्याल से वॉश करने से तो अच्छा है आप इसे ड्राई क्लीन करो, तो ड्राई क्लीन में ये बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा आपके लिए। मैंने ये एक्चुअली 2 का सेट मंगवाया, और ये सेट ऑफ 2 में मिला है मुझे, और रेंज का बात करें तो मुझे ये दोनों सेट 1200 में मिला है, 1200 में मिला है, डिस्काउंट में भी मिला है ये मुझे, क्योंकि मैं जब डिस्काउंट चल रहा था तब भी मैंने ये ले लिया है, लेकिन आज की तारीख में आप लोगे तो ये थोड़ा शायद जो प्राइस का है वो थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, आप देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना, जो जो चीज़ आप लोगों को अच्छा लगेगा वो आप वहीं से मंगवा सकते हो।